बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता उनको भी मैं बताती चलूं. वैसे तो आप आपने अपनी जगह ऑर्गेनिक बनाई है, लेकिन आलिया के बारे में कहूँगी. आलिया ज़िया मुहिद्दीन साहब की बेटी है. इन्होंने कभी इतना ज़्यादा नहीं ऑन स्क्रीन बताया कि मैं ज़ियाउद्दीन साहब की जो मैं क्या बताऊँ वाइफ हूँ. लेकिन मैं आलिया भाई आलिया को बताना पड़ेगा ना कि कुछ भी है वो एक जीन्स में आती है चीज़. सो क्या जिस तरह आलिया को आपने कहते हैं ना बिल्कुल डिसिप्लिन, एक ही एक बच्चा पूरा फोकस उसी पे कि छः पाँच छः साल तक जंक ना देना एक बहुत बड़ी बात होती है. और सिर्फ होम्योपैथ दवा पे रखा मैंने. कोई दवाई नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं. आपका पूरा फोकस ही आलिया पे था. नहीं, मुझे सिर्फ अम्मा की एक बात कान में आज तक आवाज़ उनकी आती है कि बच्चे को जब आप पाल रहे हैं उसकी तरबियत कर रहे हैं तो पत्थर दिल होके आपको पालना है बच्चे. तो तुम्हें नहीं दुख होता कि पाँच छः साल तक तुमने ट्रॉफियाँ खाई? मतलब अब याद कहाँ रह गया कि पाँच छः साल नहीं खाई, अब इतनी खा ली कि मेरा बचपन. उससे पता फ़ायदा ये, एक तरह से फ़ायदा ये हुआ, जाहिर है वो दांतों के लिए भी ख़राब है, च्युइंगम खा रहे हैं दांत बच्चे. चाहिए तुम्हारी परफेक्ट माशाल्लाह कि च्युइंगम खाने से चॉकलेट्स खाने से दांत ख़राब हो रहे हैं. बिल्कुल. और मीठे से बच्चे, हमें सच्ची बात, हमारे अपने बचपन में हमें नहीं पता था कि हाइपर हो जाते हैं आप मीठा खाने से. जो कि मेरे आंखों देखा है. मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि मेरी अम्मी ने मुझे नहीं छुड़वाया मीठा, वरना अभी डाइटिंगों के चक्कर में छूट गया है. बचपन में अम्मी छुड़वा दी थी तो खाती था. I have a sweet tooth. मुझे तो नहार मुंह, आप मुंह बंद करके इतना प्याला भर के मीठा. तो क्या आप जब ये छोटी होगी आप तो छुप छुप के खाती हो? मैं सामने नहीं खाती थी. आपके अबू भी ऐसे हैं, वो भी मीठा वगैरह नहीं खाते? वो नहीं खाते. नहीं. वो और मैं एक जैसे, हम दोनों को इतना मीठा, मतलब एक निवाला दो निवाले चख लिया बहुत थोड़ा. अच्छा, जितना अम्मी सख्ती से डिसिप्लिन रखती थी उतने अब्बू भी वैसे ही थे या चुपके कहते थे चलो खा लो? नहीं, वो उस किस्म से नहीं कि चुपके वो कुछ दे दें, लेकिन मतलब दोनों जैसे आप खाने पिलाने में थी और वो किस चीज में थे, टाइमिंग्स पर? टाइमिंग पे भी. और जैसे कहना नहीं चाहिए, बहुत से घरों में ये होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मैंने इनको डांटा तो बाप ने बुला लिया, नहीं नहीं आ जाओ इधर आ जाओ कोई बात नहीं. हमारा ये था कि अगर मैंने किसी चीज़ को मना किया है, डांट रही हूँ, मना कर रही हूँ, तो वो भी हाँ में हाँ मिलाएंगे. अच्छा. क्योंकि बच्चे की ये बहुत गलत चीज़ होती है अगर आप बच्चे ही के सामने अगर ये कर लें, या बाप अगर किसी चीज़ को मना कर, मैं कहूँगी नहीं आप रहने दी. Assalamu alaikum everyone, this is Yashmagil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.